साथियों, केवी टेक्निक्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं या मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं तो आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, बिना समय गवाए जानकारी को स्टार्ट करते हैं। कर्मचारियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को दिया विशेष ज्ञापन। 1 जनवरी 2004 से पहले लगे कर्मचारियों के लिए खुशखबर। ओल्ड पेंशन के लिए 30 सितंबर तक कर सकते हैं अपना आवेदन। कर्मचारियों के लिए जानना है बहुत ज़रूरी राज्यसभा सांसद की योग्यता और उनकी सैलरी के बारे में। अध्यापक संगठनों का अपनी मांगों को लेकर सख्ती प्रदर्शन। की शुरुआत में एक प्रश्न पूछ लेते हैं, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? आप अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना न भूलें, ऐसे इसका जवाब वीडियो के अंत में दिया जाएगा। कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को दिया ज्ञापन। प्रदेश के मुख्यमंत्री का सीतामऊ आगमन पर रविवार को आज़ाद अध्यापक शिक्षक संघ जिला मंदसौर के जिला अध्यक्ष श्याम मीणा, संभागीय उपाध्यक्ष विक्रम कछावा, संभागीय प्रवक्ता प्रदीप द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को हेलीपैड पर ही अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में रखे गए मुख्य बिंदु, रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ तत्काल दिया जाना सुनिश्चित करें। छठे एवं सातवें वेतनमान के रोके गए समस्त एरियर का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों को रोके गए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाए। एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन लागू की जाए। अनुकंपा नियुक्ति में बीएड डीएड पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता समाप्त की जाए। 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके उमावी और मावी शिक्षक और प्रावी शिक्षक कर्मचारियों को कर्मोन्नति का लाभ दिया जाए। राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्ति शब्द को विलोपित कर शिक्षा विभाग में सम्मिलन शब्द किया जाए। सर्व शिक्षा अभियान में कार्यरत अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों एपीसी बीआरसी बीएससी सीएससी के एनपीएस की राशि को संबंधित के खाते में जमा करवाया जाए। शिक्षा गारंटी शाला में पदस्थ गुरुजनों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाए। जनवरी 2004 से पहले लगे कर्मचारियों के लिए खुश खबर। आइए देख लेते हैं क्या है। ऐसे कर्मचारी जिनका चयन 1 जनवरी 2004 के पहले हो गया था परंतु उनकी पद स्थापना 1 जनवरी 2004 के बाद हुई, स्थापना दिनांक के अनुसार नेशनल पेंशन सिस्टम में शामिल कर लिया गया था। परंतु यदि वे चाहते हैं कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले तो उनके पास लास्ट चांस ही 30 सितंबर तक आवेदन करने पर उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। रेल मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार ऐसे कर्मचारी अधिकारी जिनका रेलवे में चयन 1 जनवरी 2004 के पहले हो गया था लेकिन किसी कारण से वे सर्विस ज्वाइन नहीं कर पाए थे, अब उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। इस संबंध में दक्षिणी रेलवे ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए कर्मचारियों को सिर्फ एक मौका मिलेगा जिसकी अवधि 30 सितंबर तक निर्धारित थी। ज्वाइनिंग में देरी की तकनीकी वजहों को इसमें शामिल करके राहत दी गई है। इसके लिए रेलवे के कर्मचारियों को एक फॉर्म भरकर देना होगा जिसके बाद उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल जाएगा। मतलब है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में कई फायदे हैं जिसकी वजह से कर्मचारी इसकी मांग करते रहे। देश में नई पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2004 से हुई थी। चूँकि ओल्ड पेंशन स्कीम में परिवार वालों को भी काफ़ी लाभ मिलता है इसलिए कर्मचारी इसकी मांग करते रहते हैं। साथियों, इस प्रकार जिस प्रकार से रेलवे को ये सुविधा दी गई है इसी प्रकार से 2004 में 2004 से पहले लगे शिक्षा कर्मियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए। अगर रेलवे को लाभ मिल रहा है तो शिक्षा विभाग में भी ये लाभ मिलना चाहिए। आए दिन न्यूज़पेपरों में ऐसी खबर आती रहती है कि सांसदों का इतना वेतन बढ़ा, इतना महंगाई भत्ता दिया गया। तो वास्तविक में देख लेते हैं इनकी योग्यता क्या रहती है और इनको क्या वेतन मिलता है। संसद में दो सदन राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा सदस्य कहा जाता है। इनकी अपनी एक पावर होती है। संसद में किसी कानून को बनाने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। संसद दो सदनों द्वारा मिलकर बनती है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। संसद में कानून बनाने और उस पर बहस करने का काम होता है। देश के लिए यदि कोई कानून बनता है तो उसे संसद के दोनों सदनों में पेश करना होता है। पूरी सहमति के बाद ही संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है। राज्यसभा की बात करें तो कोई भी बिल या कानून राज्यसभा में पेश किए बिना पास नहीं हो सकता है। उसे बनाने के लिए राज्यसभा में पेश करना जरूरी होता है। संसद में जितनी महत्वपूर्ण राज्यसभा है उतनी ही महत्वपूर्ण राज्यसभा के सदस्य यानी राज्यसभा सांसद है। देख लेते हैं सांसद बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। राज्यसभा सांसद की निम्न योग्यता निर्धारित आपके सामने दे रखी है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी आयु कम से कम 30 साल होना चाहिए। वह देश का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। उसके पास लाभ का पद नहीं होना चाहिए। संसद द्वारा तय कोई पद या मंत्री पद को छोड़कर मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दिवालिया नहीं होना चाहिए। चुनावी अपराध के तहत दोषी या करार न दिया गया हो। साथियों, इसमें योग्यता का कोई कालम नहीं है।
कितना पढ़ा लिखा है कोई कुछ नहीं, कोई भी सांसद बन सकता है। सैलरी की बात करते हैं, राज्यसभा सांसद के लिए सैलरी देने का प्रावधान संविधान में किया गया है। साल 2010 में किए गए संशोधन के मुताबिक संसद के सदस्यों को वेतन के रूप में 50,000 प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 45,000 रुपये प्रतिमाह, दैनिक भत्ता 2,000 रुपये, कार्यालय भत्ता 45,000 रुपये प्रतिमाह, वेतन और भत्तों को मिलाकर कुल उनको 2,00,000 रुपये महीने दिए जाते हैं। और बड़ी खबर, कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन, मांगों को लेकर शासकीय अध्यापक संगठन का विशेष प्रदर्शन। मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के प्रांतीय आह्वान पर जिला इकाई रतलाम ने कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया। यहां पर इनके द्वारा मुख्यमंत्री के नाम शहर SDM को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अध्यापक संवर्ग के कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, 1994 वाला शिक्षा विभाग देने में सहमति, विभिन्न मांगे शामिल थी। संगठन द्वारा दिए गए ज्ञापन में पुरानी पेंशन देने, अनुकंपा नियुक्ति, अनुपकंप नियुक्ति 2018 के बजाय 2013 के नियम लागू किए जाएं, बर्खास्त किए गए 16 अध्यापकों को नौकरी में बहाल करने, स्थानांतरण नीति जारी करने, गुरुजी को नियुक्ति देने की पात्रता परीक्षा, 3 संतान के नियमों को समाप्त करने और अतिथि शिक्षकों को सेवा का लाभ देने की मांग की गई। वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका सही जवाब है कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नए प्रश्न के साथ। दोस्तों वीडियो के इस टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व पास वाले बेल पर प्रेस कीजिए, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। इस चैनल के अगर अदर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपके सामने चल रहे हैं, उनको देखिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।